अब हम लोग आ चुके हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसका नाम है नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट, सॉरी एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट। नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट वाला पिछला वाला हमने कर लिया है। सो एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट, इसका जस्ट पिछला वाला पार्ट आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि तो वीडियोज़ को प्लेलिस्ट के थ्रू देखा करिए, है ना, बिकॉज वहाँ पर ही चीज़ें अरेंज होती हैं, अदरवाइज रैंडमली स्कैटर्ड होती हैं। तो एनोमैलस ज़ीमान इफेक्ट अभी हमको समझना है, तो उसके लिए हम पहले सोडियम एटम ले लेते हैं। तो सोडियम जो एटम है, सोडियम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यानी कि सोडियम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3s स्टेट में है ना। तो सोडियम का जो ग्राउंड स्टेट है, इट इज़ अ 3s स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट ऑफ Na इज 3s स्टेट, यानी कि n इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे, l इक्वल्स टू 0 है, और आपका जो s है वो तो हाफ ही रहता है, राइट। तो बेसिकली समझ रहे हैं ना, 3s को मैंने ऐसे कैसे लिखा, 3s मतलब ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और जो l की वैल्यू है वो 0 हो गई है ना। s ऑर्बिटल क्या होता है, l की वैल्यू 0 होता है। तो अभी इससे मैं ना ls कपलिंग करता हूँ, तो जब मैं ls कपलिंग करूँगा तो मेरा j जो बनेगा वो कैसे बनेगा, इट इज़ l माइनस s टू l प्लस s। तो यानी कि सिंपली मुझे है ना सिर्फ हाफ आने वाला है, j की वैल्यू हाफ आने वाली है। तो जब नॉर्मल टर्म हम जो लिखते हैं, मतलब टर्म्स जो लिखते हैं हम, बेसिकली टर्म सिंबल, वो टर्म सिंबल क्या होगा यहाँ पे, सो टर्म सिंबल जो होगा वो सिंपली होगा आपका, यानी कि हम ऐसा लिखते हैं ना, 2s+1 l और j। तो यहाँ पे जो आने वाला है दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी, ये सब हम पढ़ चुके हैं वेक्टर एटम मॉडल में। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप वेक्टर एटम मॉडल सर्च कर लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में। तो 2s+1 एल जे, तो बेसिकली 2 × 1/2+1 यानी कि सिंपली कितना आ जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 2 2, और एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली कितनी है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू यानी कि 0 है, यानी कि एस आ जाएगा। सो 2s, और जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हाफ आ रही है, तो 2s 1/2, 2s 1/2, ये इसका ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2s 1/2 से। अच्छा, अब सोडियम जो है उसका ग्राउंड स्टेट तो मैंने कहा था 3s है, लेकिन उसका जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होगा सोडियम का वो क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सोडियम इज वो होने वाला है 3p1, है ना, मतलब 3p स्टेट होगा बेसिकली। 3p स्टेट क्यों होगा, 3s के बाद जाएगा किधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, अगर उसको जंप करना होगा तो इट कैन गो इनटू 3p, ठीक है। ये आप बोर की थ्योरी में अप्लाई कर लेना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से कि के शेल से सीधा एल शेल में जाएगा, एल से एम में जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट, बीच में ऑर्बिटल्स भी हैं, तो इट कैन जंप टू दोज ऑर्बिटल्स एज वेल। सो ये जो है यहाँ पे 3s से 3p में जा सकता है, तो दैट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सोडियम। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3p मैंने ले लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे n इक्वल्स टू कितना लूंगा मैं, 3 लूंगा, l इक्वल्स टू कितना लूंगा, 1 लूंगा, s इक्वल्स टू कितना लूंगा, हाफ लूंगा, है ना, क्योंकि p के लिए, p ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें जब मैं j की वैल्यूज निकालूंगा जो कि l माइनस s से l प्लस s आती है, तो मुझे वैल्यूज़ कितनी मिलने वाली हैं, मुझे वैल्यूज़ जो मिलने वाली हैं वो आने वाली हैं बेसिकली क्या होने वाला है, 1 − 1/2 से 1 + 1/2, यानी कि सिंपली दो वैल्यूज़ आएंगी, एक है 3/2 और एक है 1/2। तो मुझे जो टर्म सिंबल्स मिलेंगे यहाँ पे, टर्म सिंबल्स जो मुझे मिलने वाले हैं वो बेसिकली मुझे मिलने वाले हैं कैसे, एस की वैल्यू तो हाफ है, तो बेसिकली मल्टीप्लिसिटी यानी कि 2s+1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और एल की वैल्यू कितनी यूज़ की आपने, 1 यूज़ की, मतलब पी ऑर्बिटल यूज़ किया है। और जे की वैल्यू क्या है, बेसिकली एक बार 3/2 है, एक बार 1/2 है, तो एक 3/2 आएगा, एक 1/2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो मुझे स्टेट्स मिलेंगे। तो यानी कि सोडियम के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए एक ही लेवल आपके पास रहेगा, वो लेवल जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, दैट लेवल, एक सेकेंड इसको थोड़ा है ना व्यू में लेता हूँ, फील्ड ऑफ व्यू में नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं वो लेवल बना देता हूँ, ठीक है, इस लेवल का नाम है 2s 1/2, और जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो एक्चुअल में है ना दो स्टेट से बना हुआ है। तो दो स्टेट्स हैं विच आर वेरी नियरली सेम एनर्जी वाले हैं, थोड़ा नियरली उनकी एनर्जी सेम होती है, एग्जैक्टली सेम नहीं होती ऑब्वियसली, बिकॉज एल एस एंड जे की वैल्यूज डिफरेंट है, कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, नियरली सेम होती है, एकदम बाजू बाजू में होते हैं। तो एक मतलब 2p 1/2 है और एक 2p 3/2 है।
इनसे इसमें इनके बीच में जब ट्रांजिशन होगा, इनके बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो एक लाइन तो हमें ये मिल सकती है ना, एक लाइन तो ये मिल सकती है और एक लाइन ये मिल सकती है। तो बेसिकली जो दो लाइंस मिलती हैं, ट्रांजिशंस मिलते हैं, इनसे जो फोटॉन्स बाहर आते हैं, उन फोटॉन्स की जो एनर्जी हमें मिलती है, मतलब वेवलेंथ मिलती है, एक तो वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम और एक होती है 5896 एंगस्ट्रॉम, और इसी को हम सोडियम D1 एंड D2 लाइंस कहते हैं। तो सोडियम D1 D2 लाइंस जो हमें दो फोटॉन्स देखने को मिलते हैं दो ट्रांजिशंस की वजह से, उसे हम सोडियम D1 D2 लाइंस कहते हैं। ये आपने देखा होगा लेबोरेटरी में गारंटी। तो लेबोरेटरी में हमारी जो BSc की लेबोरेटरी होती है उसमें एक सोडियम सोर्स होता है जिसमें से येलो कलर की लाइट निकलती है। हम कहते हैं कि वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उसमें से सिर्फ एक ही कलर एक ही वेवलेंथ बाहर आ रही है, बट एक्चुअल में दीज आर टू वेवलेंथ्स विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो दो वेवलेंथ रहती हैं येलो की, दोनों येलो रहते हैं, दोनों येलो कलर हैं, बट हल्का सा फ़र्क है और आप देख भी सकते हैं 6 एंगस्ट्रॉम का फ़र्क कहाँ ज़्यादा फ़र्क है। तो बेसिकली D1 D2 लाइंस हैं। चलिए इसका नाम जो है हम बता रहे हैं D1 है, इसका नाम D2 है। जैसे दो लाइंस हैं D1 एंड D2। अब ये लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो जाएंगी बिकॉज दीज लेवल्स आर गोइंग टू स्प्लिट। ये जो आपके लेवल्स हैं ये खुद भी स्प्लिट हो जाएंगे ना, अभी आगे जाके जैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे तो ये स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जीमान इफेक्ट में कुछ कंपोनेंट्स बन रहे थे, वैसे यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड में भी कुछ तो कंपोनेंट्स बनेंगे ना एनोमल जीमान इफेक्ट के अंदर। तो अब वो कंपोनेंट्स क्यों बन रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ द जे वैल्यू। तो जो एम जे है दैट इज डिफरेंट। अब देखो, अब ये जे आपको दिख रहा है 3/2, जे की वैल्यू 3/2 दिख रही है, तो एम जे की वैल्यू क्या क्या होगी। सो फॉर जे इक्वल्स टू 3/2 एम जे की वैल्यू क्या क्या होगी। अब देखो एम जे की कितनी वैल्यूज होना चाहिए, 2j+1 वैल्यूज होना चाहिए, 2j+1 वैल्यूज। तो 2j+1 का मतलब होता है 2 × 3/2 + 1, यानी कि ये हो गया आपका 3+1 4, चार वैल्यूज होना चाहिए एम जे की, चार वैल्यूज। तो अब वो एम जे की जो चार वैल्यूज है वो क्या क्या वैल्यूज हैं, वो क्या क्या है। तो दे आर गोइंग टू बी 3/2 1/2 −1/2 एंड फाइनली −3/2, ऐसे वैल्यूज होंगी। तो ये आपका इस स्टेट के लिए हो गया। वैसे ही आपके इस स्टेट के लिए आपका क्या आ जाएगा, मतलब वैल्यूज आएंगी दो, दो वैल्यूज आएंगी है ना, क्योंकि जे की वैल्यू सिर्फ हाफ है तो दो वैल्यूज टोटल मिला के आने वाली, और जो दो वैल्यूज आएंगी वो कितनी होंगी, +1/2 −1/2। तो ये चार स्टेट में स्प्लिट होगा, ये दो स्टेट में स्प्लिट होगा, और उसके बाद में ये देखो जे हाफ है इसका, तो ये भी दो स्टेट में स्प्लिट होगा। तो आइए उनको हम ड्रॉ करते हैं, आइए हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली मैं इसे हटा देता हूँ, साइड में हटा देता हूँ इसे, ठीक है, मैं स्प्लिट करता हूँ चीज़ों को स्प्लिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो लेवल है मेरा एक इकलौता लेवल, ये चार लेवल में स्प्लिट होगा। तो इसके जो चार लेवल है मैं कलर से बना दे रहा हूँ, इसके चार लेवल जो है अभी, अच्छा थोड़ा जगह की ज़रा कमी है तो थोड़ा सा असिमेट्रिक टाइप का दिखेगा, बट ठीक है एडजस्ट कर लीजिए ज़रा। तो एक ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, अरे टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया और चौथा ये बना दिया। तो ये चार लेवल हो गए। अच्छा इस बंदे के भी तो दो लेवल बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा अलग कलर से बना देता हूँ ताकि नज़र आए अलग अलग, है ना। तो इस बंदे के भी जो है मैं दो लेवल्स बना देता हूँ, वही एक और दो बना दिए। अच्छा इस बंदे का भी तो हमें कुछ दो लेवल्स बनाना है, तो वो दो लेवल्स और दो अलग कलर से बना देता हूँ। तो लेट से कि मैंने एक ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है सारे लेवल्स बना देना। अच्छा अब एम जे की वैल्यूज इधर लिखना ये भी ज़रूरी हो जाता है। तो एम जे की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। तो ये है लेट से 3/2, ये है हाफ, ये है −1/2 और ये है −3/2। ये बंदा हो जाएगा हाफ और −1/2 और ये हो जाएगा फाइनली हाफ और −1/2। ओके अब मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। सो ट्रांजिशंस भी देखने ना, अच्छा ट्रांजिशंस देखने से पहले, एनर्जी समझने से पहले बेसिकली आपको यहाँ पर ये भी तो करना होगा, मतलब आपको जो है यहाँ पर क्या लिखना होगा, जी जे एम जे लिखना होगा, जी जे एम जे। अब बोलेंगे सर ये जी जे एम जे क्या है, तो बताता हूँ, डोंट वरी, जी जे एम जे लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या सीन है, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू, लिसन। देखिए एनर्जी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो आती है ई मैग्नेटिक, ठीक है, वो कितनी होती है −μJ·B होती है। उसकी वैल्यू अगर आप निकालने को जाएं तो इट कम्स आउट टू बी −GJ EH × 2m विच इज़ नथिंग बट दी बोर मैग्नेटॉन, और उसके अलावा आ जाता है बी
और फिर आ जाता है एमजे, है ना, इस तरीके से आ जाता है। तो अभी इन चीज़ों का एक और नाम रखा गया है, मतलब ये जो पूरी चीज़ है इसको हम लोगों ने एक और नाम रखा है ना, इसका नाम हम लोगों ने कोई तो एक फैक्टर रखा हुआ है, इट इज़ लाइक सम फैक्टर, लेट्स कॉल इट एज व्हाट, इसको हम लोग ना लॉरेंट्स यूनिट बोलते हैं, राइट, इसका एक नाम है लॉरेंट्स यूनिट, लॉरेंट्स यूनिट इसको बोलते हैं, तो लॉरेंट्स यूनिट रख देते हैं इसका नाम, और उसको वन मान लेते हैं फिलहाल, कौन उसे उसका ध्यान देगा। सो माइनस जी जे वन इंटू एम जे, यही एनर्जी है। हालांकि आपको लॉरेंट्स यूनिट भी लेना है, तो इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट्स यूनिट आप कह सकते हैं, ये वन नहीं लिखा है मैंने बाय द वे, दिस इज लॉरेंट्स यूनिट। तो इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट्स यूनिट एनर्जी की वैल्यू कितनी है, जी जे एम जे, तो जी जे एम जे आपका जो है एनर्जी डिसाइड करेगा इन चारों लेवल्स की, जो ऊपर के चार लेवल्स हैं और फिर नीचे के दो लेवल्स हैं और फिर नीचे के दो लेवल्स हैं, तो इनकी एनर्जी जी जे एम जे डिसाइड करेगा। तो अब जी जे एम जे के लिए हमें जो है ना टेबल बना लेना चाहिए, एक टेबल बना लेना चाहिए। तो टेबल जो हम बनाएंगे उसमें क्या क्या होगा, तो बेसिकली हमें फ़िलहाल जो चाहिए वैल्यूज़ वो कैसी चाहिए, तो हमें जो वैल्यूज़ चाहिए, एक सेकंड लेट मी एक्सप्लोर द टेबल ऑप्शन। तो भाई ये बन गया हमारा टेबल जिसमें मैं वैल्यूज डालूंगा, यहाँ पे तो स्टेट लिख देता हूँ पहले। तो स्टेट भाई हमारे पास कौन कौन से, एक तो 2s 1/2 है, एक 2p 1/2 है और एक 2p 3/2 है, तीन स्टेट्स हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ एल, यहाँ पे लिख देता हूँ एस, यहाँ पे लिख देता हूँ जे, फिर यहाँ पे लिखूंगा जी जे, यहाँ पे लिखूंगा एम जे और यहाँ पे लिखूंगा जी जे एम जे, ठीक है। वैसे इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज लिसन हम लोगों को जी जे कैलकुलेट अगर करना है तो भैया जी जे के लिए एल एस जे तीनों की वैल्यू चाहिए ना। जी जे होता क्या है, इट इज़ 1+, याद आ रहा क्या था, इट वॉज जे स्टार का स्क्वायर माइनस एस स्टार का स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड ना, ये प्लस है माइनस एल स्टार का स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2j का स्क्वायर। सो हमको इस फॉर्मूला से चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इसको और ओपन करेंगे फॉर्मूला को तो इट बिकम्स जे इंटू जे प्लस वन प्लस एस इंटू एस प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाता है 2 इंटू जे प्लस वन। तो आपको इस तरीके से पूरा फॉर्मूला यूज़ करके जी जे की वैल्यूज वहाँ पे डालनी है, लैंडेस जी फैक्टर की वैल्यू डालनी है। यहाँ पे एल कितना है, 0 है, एस तो हाफ ही है सभी केसेस में, एस हाफ है, यहाँ पे एल 0 है, यहाँ पे एल 1 और 1 है, और जे की वैल्यू तो दिख ही रही है, हाफ है और 3/2 है। तो ये सब्सटीट्यूट करें आप, जैसे मैं एक आपके लिए करके दिखा देता हूँ, एक जी जी जे की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, जैसे ये वाला ले लीजिए, है ना, ये तीनों ले लीजिए, तो जे हाफ है, एस हाफ है और एल 0 है, तो एल 0 तो ये पार्ट चला ही जाएगा, तो बेसिकली 1+ जे हाफ है और एस भी हाफ है ना, जे हाफ है और एस भी हाफ है, सो हाफ इंटू हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन मतलब सिंपली 3/2 होता है, ये भी हाफ इंटू हाफ प्लस वन यानी कि 3/2, एक सेकंड अच्छे से लिखता हूँ, 3/2 माइनस 0 और नीचे भी वैसा ही कुछ आ जाएगा, सो हाफ इंटू हाफ प्लस वन इस तरीके से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी 1+, ये दिस बिकम्स 3/4, दिस ऑल्सो बिकम्स 3/4 और नीचे हमारा जो दिया है 3/2 दिया हुआ है ना, नीचे 3/2 दिया हुआ है। अच्छा 1+ ये ऊपर क्या हो गया, 3/2 ही हो गया ना, बिकॉज एक सेकेंड, ऊपर मतलब देखिए ना डिनोमिनेटर सेम है 4 और 4, तो ये बन जाएगा 6/4, 6/4 इज व्हाट, 3/2 ओनली, और नीचे 3/2 पहले से ही था, तो ये 3/2 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो जी जे की वैल्यू आ जाएगी ना इस केस में 2 आ जाएगी, ठीक है। तो एक वैल्यू मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, बाकी सब मैं वैल्यू भी डायरेक्टली पुट कर दूंगा, तो जी जे की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा भाई देखिए एम जे की जो वैल्यूज हैं 2s 1/2 के लिए वो कितनी कितनी है, तो इट इज़ प्लस हाफ माइनस हाफ, है ना, इसके लिए भी प्लस हाफ माइनस हाफ, इसके लिए चार वैल्यूज हैं, 3/2 1/2 -1/2 -3/2। तो अभी मैं जी जे की वैल्यूज कैलकुलेट करके डायरेक्टली पुट करता हूँ और जी जे एम जे की वैल्यूज कैलकुलेट करके डायरेक्टली पुट करता हूँ, वीडियो में उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा टेबल कंप्लीट हो गया है, तो जी जे की ये वैल्यूज आई हैं बाकी दो, और जी जे एम जे जो आया है लॉरेंट्स टर्म के यूनिट में, मतलब लॉरेंट्स जो ये फैक्टर था उसको तो मैंने 1 अज्यूम कर लिया ना, उसको मैंने 1 अज्यूम कर लिया लॉरेंट्स फैक्टर, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाता हूँ यार, वरना सेम सेम 1 जैसा ही दिख रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना देता हूँ।
ये जो लॉरेंट्स फैक्टर्स को मैंने वन अज्यूम कर लिया, तो ये मेरी वैल्यूज आई। अब मैं ना वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो जी जे एम जे की वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो पहले वाला जो आ रहा है मेरा जी जे एम जे फर्स्ट वाला, अच्छा ये जो चार जो लोग हैं ना, ये तो क्या क्या है भाई, चार लोग, टू टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री एंड माइनस टू, तो ये हो जाएगा मेरा, थोड़ा अलग कलर से लेता हूँ। सो ये है भाई टू, ये है टू बाई थ्री, ये है माइनस टू बाई थ्री और ये है माइनस टू, है ना, थोड़ा जगह देख के लिख रहा हूँ मैं। फिर ये वाला क्या है, एक ये पी वाला जो है वो क्या है, वन बाई थ्री और माइनस वन बाई थ्री, तो ये लिखता हूँ वन बाई थ्री और माइनस वन बाई थ्री। एंड फाइनली कौन सा बचा है भाई, ये बचा है वन और माइनस वन, ऐसे स्टेट का है वो, तो वन और माइनस वन ये मैंने लिख दिया। अच्छा ट्रांजिशन के सिलेक्शन रूल्स तो चेंज नहीं होंगे, वो वही हैं, सिलेक्शन रूल्स तो वही हैं। तो डेल्टा एम जे का जो सिलेक्शन रूल है, आइए उसे भी लिखते हैं। तो एम जे के लिए वही सिलेक्शन रूल्स हैं जो बेसिकली एम एल के लिए थे नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में, विच इज़ डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो कॉमा प्लस माइनस वन। डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो कॉमा प्लस माइनस वन, तो ये जो रूल्स हैं चलिए आइए इन अप्लाई करते हैं। तो डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ट्रांजिशन जो है ना आपका ग्राउंड स्टेट में बेसिकली इससे भी हो रहा था, इससे भी हो रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड में ये लोग स्प्लिट हो चुके हैं, ये लोग स्प्लिट हो चुके हैं, तो जब स्प्लिट हो चुके हैं तो इस इन चार बंदों से भी ट्रांजिशंस यहाँ पे कहीं होंगे और इन दो बंदों से भी ट्रांजिशंस जो है यहाँ कहीं होंगे, बिकॉज ग्राउंड स्टेट तो यही है ना, और ये ऊपर के स्टेट्स हैं, इनका आपस में कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है ना, इनका आपस में कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। सो लेट्स सी द ट्रांजिशंस। सो बेसिकली अच्छा यहाँ पे ट्रांजिशन से पहले एक इंटरेस्टिंग बात ये है, देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इंटरेस्टिंग बात वो ये वाली है कि अगर आप है ना इन दो लेवल्स के बीच में गैप देखेंगे ना, गैप, तो इट इज़ लाइक फोर बाई थ्री टाइम्स ऑफ लॉरेंट्स फैक्टर, फोर बाई थ्री टाइम्स ऑफ लॉरेंट्स फैक्टर। इन दोनों के बीच में गैप देखिए, दैट इज ऑल्सो फोर बाई थ्री टाइम्स ऑफ लॉरेंट्स फैक्टर, राइट। इन दोनों के बीच में भी 4/3 है, चेक कर लीजिए ना, चेक कर लीजिए। तो इन सबके बीच में 4/3 टाइम्स लॉरेंट्स फैक्टर का गैप है, तो मतलब यानी कि इक्वली स्पेस कंपोनेंट्स में स्प्लिट तो हुआ है, लेकिन ये जो गैप है ना इट इज लाइक 4/3 टाइम्स ऑफ लॉरेंट्स फैक्टर, मतलब ई एच बी बाई 4πm या फिर ई एच क्रॉस बी बाई 2m। तो ये गैप है ना नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट से अलग है ना, 4/3 जो आप ये गैप ले रहे हो ये नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट से अलग है ना, वहाँ पे तो 1 times ई एच बी बाई 4πm होता है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो वहाँ भी इक्वली स्पेस्ड लेवल्स में स्प्लिट होते हैं कंपोनेंट्स, यहाँ पर भी इक्वली स्पेस्ड कंपोनेंट्स में स्प्लिट होते हैं लेवल्स। अच्छा लेकिन ये लेवल की स्प्लिटिंग और ये लेवल की स्प्लिटिंग में फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पे देखिए गैप, देखिए यहाँ पे अगर आप गैप देखने को जाएं तो 2/3 टाइम्स लॉरेंट्स फैक्टर का गैप है, मतलब 2/3 टाइम्स ई एच बी बाई 4πm है। और यहाँ पे गैप देखने को जाएं तो दिस इज 2 times ई एच बी बाई 4πm, 2 times ई एच बी बाई 4πm। तो वहां पे ऐसा नहीं होता था, वहां पर ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द एल वैल्यू, देखो यहाँ पे तो जे वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे जे वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है स्प्लिटिंग, वहां पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एल वैल्यू, एक होता था एल इक्वल्स टू टू, एक होता था एल इक्वल्स टू वन, और फिर स्प्लिटिंग होती थी तो एल इक्वल्स टू टू के जो लेवल्स होते थे और एल इक्वल्स टू वन के लेवल्स होते थे उनके बीच में जो गैप्स होते थे ना वो फिक्स होते थे 1 times ई बी बाई मतलब ई एच बी बाई 4πm। बट यहाँ पर बिल्कुल भी वैसा नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना ये स्प्लिटिंग है ना जे पे डिपेंड कर रही है, एंड जे पे क्या बल्कि है ना जी जे पे डिपेंड कर रही है, ऐसा कह लीजिए आप। तो अलग अलग जी जे के लिए द गैप इज डिफरेंट, और इस वजह से जो अब ट्रांजिशंस होंगे ना उसमें जो फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स आएंगे ना दे विल नॉट हैव द सेम गैप, दे विल नॉट हैव द सेम गैप। सो यही फर्क है नॉर्मल और एनमलस ज़ीमान इफेक्ट में, यहाँ पर 4/3 टाइम्स ई एच बी बाई 4πm आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ 1 times आता था, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ 1 times ई एच बी बाई 4πm आता था। तो वहाँ पे एल की वैल्यू 1 रहने दो, 2 रहने दो, 3 रहने दो, 4 रहने दो, 0 रहने दो, कुछ भी रहने दो, हमेशा गैप जो लेवल्स के बीच में होते थे वो सेम होते थे। यहाँ पर ये 4 के बीच का गैप सेम है, ये 2 के बीच का गैप सेम है, वो 2 के बीच का गैप सेम है, मतलब जो भी है सेम का मतलब इन सेंस जो भी है, बट ये 4 और इन 2 का गैप सेम नहीं है, दिस इज डिफरेंट। सो ट्रांजिशन जो होगा ना उसमें भी गैप सेम नहीं आएगा। चलिए अब ट्रांजिशन करवाते हैं।
अब ट्रांजिशन करवाते हैं तो कलर कौन सा चुने भाई, अच्छा वाला कोई कलर मिल जाए प्यारा सा, कोई तो दिख नहीं रहा है। चलो यार वाइट ही ले लेते हैं, वाइट से बेस्ट कलर क्या होगा। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आई डोंट डू एनी फेवरेटिज्म अमंग कलर्स, बट एनी वे तो अगर मुझे पहले तो इस वो इजी वाले को कर लेते हैं, इजी वाले को है ना, सिर्फ दो ही लेवल्स हैं। तो अगर मुझे करवाना है ट्रांजिशन डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो वाला, तो डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो वाला ट्रांजिशन एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, और एक ये हो जाएगा डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो। ये डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो वाले ट्रांजिशन हैं, करेक्ट, हाफ से हाफ और माइनस हाफ से माइनस हाफ वाला। डेल्टा एम जे इक्वल्स टू प्लस वन वाला हो सकता है क्या? प्लस वन वाले का मतलब होगा कि फाइनल स्टेट बड़ा होना चाहिए, इनिशियल स्टेट छोटा, नहीं नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना, इनिशियल स्टेट छोटा कहाँ से लाओगे। हाँ बट डेल्टा एम जे इक्वल्स टू, देखो पहले तो उसको मैं लिख लेता हूँ, ये जीरो वाला है और डेल्टा एम जे इक्वल्स टू प्लस वन वाला तो नहीं हो पा रहा है, माइनस वन वाला हो जाएगा, है ना। तो बड़े स्टेट से छोटे स्टेट में आप आ सकते हो ना, तो बड़ा स्टेट क्या है आपका, 1/2 है, 1/2 से आप जो है छोटे वाले स्टेट में यानी कि किस में, -1/2 में आ सकते हो, है ना। तो दिस इज़ मतलब दिस इज़ -1 वाला ट्रांजिशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है, ये -1 वाला ट्रांजिशन है क्योंकि माइनस हाफ फाइनल स्टेट है और इनिशियल स्टेट प्लस हाफ है, तो माइनस हाफ माइनस ऑफ प्लस हाफ, माइनस हाफ माइनस ऑफ प्लस हाफ, जब आप करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा। तो ये तीन कंपोनेंट्स हो गए, राइट। इसके बीच में इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या, जरा सोचिए। यस पॉसिबल है, माइनस हाफ से प्लस हाफ में अगर गए तो आ गया ना +1 वाला ट्रांजिशन, तो सब आ गया, एम जे इक्वल्स टू जीरो वाला भी आ गया, +1 वाला भी आ गया, -1 वाला भी आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, जीरो वाला मतलब दो बार आ गया बेसिकली। तो डेल्टा एम जे इक्वल्स टू जीरो वाले दो ट्रांजिशन आ गए, डेल्टा एम जे इक्वल्स टू -1 वाला एक ट्रांजिशन आ गया और डेल्टा एम जे इक्वल्स टू प्लस वाला ट्रांजिशन आ गया, +1 वाला ट्रांजिशन, राइट। तो ये चार ट्रांजिशन हमको देखने को मिल रहे हैं इन दो लेवल्स के बीच में, इन दो लेवल्स के बीच में। तो कहाँ इन दो लेवल्स के बीच में एक ही ट्रांजिशन होता था पहले, मैग्नेटिक फील्ड में चार कंपोनेंट्स आ गए इसके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ बड़े वाले से, इस वाले से, इस वाले से, है ना, इस वाले लेवल से नीचे, इसके लिए कलर कुछ और ले लेते हैं। सो लेट्स टेक सम गुड कलर, कौन सा है भाई, चलो ग्रीन ले लेते हैं, नहीं ग्रीन तो पहले से यूज़ हो गया है ना, सो ब्राउन या लेट्स टेक ब्राउन, ओके। तो इस वाले में अगर मुझे ट्रांजिशन करना है इस वाले से इस वाले में, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि हाफ से हाफ का ट्रांजिशन करता हूँ, मतलब ये जो मेरा हाफ है उससे हाफ का ट्रांजिशन करता हूँ, तो जीरो वाले ट्रांजिशन पहले मिल जाएगा। तो हाफ से हाफ का एक ट्रांजिशन हो गया, ठीक है, फिर एक माइनस हाफ से माइनस हाफ का ट्रांजिशन हो गया, तो ये जो मुझे मिला है ये दोनों जीरो वाला मिला है, ठीक है। मैं जीरो वाला किधर लिख दूँ, जीरो नीचे लिख देता हूँ, तो जीरो वाला ट्रांजिशन मुझे मिल गए दो। अच्छा अब मुझे चाहिए एक +1 वाला और एक -1 वाला, तो पहले -1 वाला देखते हैं, मतलब -1 वाले का मतलब है नीचे वाला स्टेट छोटा होना चाहिए। तो अगर ये स्टेट बेसिकली हाफ है तो ऊपर वाला स्टेट 3/2 अगर रहेगा, 3/2, तो 1/2 -3/2 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, करेक्ट। सो 3/2 से एक ट्रांजिशन कीजिए 1/2 में, ठीक है, एक ये हो गया। और एक ट्रांजिशन आप हाफ से कीजिए, हाफ से कीजिए माइनस हाफ में, तो अगर हाफ से माइनस हाफ में करेंगे तो आपका -1 ही आएगा ना, बिकॉज समझ रहे हैं, माइनस हाफ आपका फाइनल स्टेट है, तो माइनस हाफ माइनस ऑफ प्लस हाफ करेंगे तो -1 आ जाएगा। सो एक तो जीरो हो गया, एक -1 हो गया, मतलब जीरो के लिए दो ट्रांजिशन हो गए, -1 के लिए भी दो ट्रांजिशन हो गए। सो दो ट्रांजिशन इसके, दो ट्रांजिशन इसके। अब एक +1 वाला ट्रांजिशन करते हैं, तो +1 वाला जगह हम ट्रांजिशन करेंगे तो +1 वाले ट्रांजिशन के लिए नीचे वाला स्टेट बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला स्टेट छोटा होना चाहिए। तो माइनस हाफ जो है -3/2 से बड़ा होता है, राइट। तो एक ट्रांजिशन ये वाला करवा दीजिए, तो ये आपका +1 वाला ट्रांजिशन होगा। कैसे निकालेंगे आप, माइनस हाफ माइनस ऑफ -3/2 निकालेंगे तो वो +1 आ जाएगा, है ना। और एक जो है मतलब माइनस हाफ से प्लस हाफ में करवा दीजिए, तो एक अगर आप माइनस हाफ से प्लस हाफ में करवाते हैं तो यहाँ पे फाइनल तो प्लस हाफ है, तो हाफ माइनस ऑफ माइनस हाफ यानी कि +1 वाला ट्रांजिशन। सो +1 वाले दो ट्रांजिशन हो गए, तो आप देख रहे हैं टोटल मिलाकर 10 कंपोनेंट्स बन गए, देयर आर 10 कंपोनेंट्स, और इसमें एक भी कंपोनेंट की एनर्जी दूसरे से मैच नहीं करती है,
एक भी कंपोनेंट की जो एनर्जी है दैट डजेंट मैच दी अदर कंपोनेंट्स एनर्जी. सो देर आर लाइक 10 कंपोनेंट्स, देर आर लाइक 10 कंपोनेंट्स, जस्ट इमेजिन. सो 10 कंपोनेंट्स मीन्स 10 डिफरेंट लाइन्स, 10 डिफरेंट लाइन्स यू आर गोइंग टू गेट. सो कहाँ आपको नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में बेसिकली 3 लाइन्स देखने मिलती थी, यहाँ पे आने वाले ज़ीमान इफेक्ट में आपको 10-10 जो है लाइन्स देखने को मिल रही हैं. आप चेक कर सकते हैं कि इन 10ों में से एक भी कंपोनेंट की वैल्यू, मतलब एक भी एनर्जी की वैल्यू सेम नहीं है. तो नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में जैसे हमने 9 कंपोनेंट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा था, ऐसा 3 ग्रुप्स में इनको अरेंज कर पाना या 4 ग्रुप्स में पॉसिबल ही नहीं है. सो देर आर गोइंग टू बी 10 डिफरेंट लाइन्स, जस्ट इमेजिन. सो एनिमल ज़ीमान इफेक्ट कितना डिफरेंट है ज़ीमान इफेक्ट से. सो बेसिकली यू कैन सी दैट, राइट? सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल.